जब तमाशा बनाया है जिंदगी ने हमें, हंसा हंसा के रुलाया है जिंदगी ने हमें। करीब आते ही अपने हुए पराए क्यों, चराग मेरी उम्मीदों के झिलमिलाए क्यों, जला जला के बुझाया है जिंदगी। एक काम करते हैं, नैन्सी को घर की चाबी दे देते हैं, ये जा कर के ले आएगी। आई थिंक ये सेल हॉल में ही तो होगा ना। सबूत मिल गया सिकंदर। कि बिना सबूतों के मैं आपकी कंप्लेंट पे आगे कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। तो आपको वहाँ कोई शक भी नहीं हुआ? जी नहीं, कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट पूरी तरह से दुरुस्त पाए गए। पुलिस की तहकीकात हो गई, कुछ हुआ नहीं ना? नहीं, होना ही नहीं था कुछ। जब कुछ था ही नहीं तो होता क्या? खामखा घबरा रही। इस बात भी सक्सेना परिवार ने पुलिस को अपने फेवर में करने के लिए कोई ना कोई मैनिपुलेशन जरूर किया है। इस डायरी में लिखा हुआ हिसाब किताब यह साबित कर सकता है कि स्वतः केमिकल्स में कामसा प्रसाद की हिस्सेदारी बनती है। माँ, क्या बात है बेटा? हाँ, तू सुनेगी तो बस बहुत खुश होगी। लेकिन बात क्या है, बहुत खुश लग रहा है? हाँ ना, आज मैं बहुत खुश हूँ। जनार्दन सक्सेना से गिन गिन कर बदला लेने का जो सपना हमने सजोया था ना माँ, बस उसका पूरा होने का सामा कराया हूँ मैं। अच्छा, ना देख देख ये डायरी देख। ये डायरी? माँ, ये कोई मामूली डायरी नहीं है। सुधा केमिकल्स की मालिकिन अनुराधा सक्सेना को काबू में रखने के लिए एक बहुत बड़ा पत्ता है जो खुशकिस्मती से मेरे हाथ लग गया है। लेकिन अनुराधा पर काबू करके क्या होगा? ओ, मेरी प्यारी भोली माँ, उस पर ही तो काबू पाकर सुधा केमिकल्स पर काबू पाया जा सकता है। और फिर हमारी कहानी भी तो वहीं से शुरू होनी है। और माँ, ये पक्की बात है कि हमारा सपना पूरा होकर ही रहेगा। ये सब तो तेरी वजह से संभव हो पाया है बेटा, वरना मैं अकेली माँ कितना भी चाहती तो कहाँ ले सकती थी अपनी बर्बादियों का बदला। तू अकेली होती तब ना, तेरे साथ तो तेरा बेटा है, तो तुझे कैसी चिंता? और फिर माँ के साथ होने वाली ज्यादतों का बदला बेटा नहीं लेगा तो और कौन लेगा? बस बस बेटे, बस एक तेरे जैसे बेटे के सहारे ही मैंने जिंदगी का इतना लंबा सफर यूं ही तय कर लिया, वरना मेरी जिंदगी में अच्छा कहने को है ही क्या सिवा तेरे। इतना साधा तू, जब से पूरी दुनिया का सामना करने के लिए हर पल अकेले तैयार रहता था, फिर अपनी माँ के लिए, बेटा मुझे तुझ पर गर्व है, गर्व है। आप अभी तक सोई नहीं? तो उससे बात किए बिना नींद आती क्या? मेरी प्यारी माँ, मेरी अच्छी माँ। पुलिस की कार्रवाई कहाँ तक पहुँची श्रद्धा? अभी तो तहकीकात चल रही है, दो तीन दिन तो लग ही जाएंगे शायद। अच्छा, तो क्या लगता है कोई सबूत मिलेगा वहाँ से? मिलेगा ना माँ, जरूर मिलेगा। हर गुना अपना निशान छोड़ ही जाता है। बिल्कुल तेरे झूठ की तरह। क्या मतलब? मतलब मैं समझाती हूँ तुझे। मतलब पुलिस ने केस बेबुनियाद ठहरा दिया क्योंकि उन्हें कोई सबूत ही नहीं मिला, और तू उनके खिलाफ सबूत तैयार करवाएगी क्यों? नहीं, वो तू बहुत सयानी हो गई है ना श्रद्धा, कि
इतनी सफाई से बिना झिझके झूठ पर झूठ बोलना सीख गई है? तू झूठ के सारे सच्चाई को जी दिलवाना चाहती है ना? मगर कान खोलकर सुन ले श्रद्धा, मेरे जीते जी हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि ये तेरे बाबूजी की सबसे बड़ी तौहीन है। सब कुछ सहते हैं मगर किसी भी सूरत में पल भर को भी अपनी ईमानदारी और सच्चाई से नहीं टिके वो। तो क्या मिला उन्हें और उनके परिवार को सच्चे और ईमानदार बनकर? क्या कसूर था उनका जो सुनील सक्सेना ने उनकी जिंदगी भर की कमाई हड़प ली? क्या गलती थी उनकी जो उन्हें बेईमान कहा गया? चुपचाप सब कुछ सहते रहे ताकि उनकी बेटी को कोई तकलीफ ना हो, पर हुआ क्या? उनकी लाडली बेटी दर दर की ठोकरे खाती रही। ना ससुराल मिला, ना मायका मिला, उनका होनहार बेटा जेल में सड़ रहा है। क्यों उनकी पत्नी बहू बेटा अपने ही घर से बेघर होकर दर दर की ठोकरे खा रहे हैं माँ? क्यों? क्या मेरे बाबूजी बेईमान थे जो दुनिया का सामना नहीं कर सकते थे? क्या वो भगोड़े थे? बोलो माँ, बोलो। बस कर श्रद्धा, बस कर। ऐसा इसलिए हुआ माँ क्योंकि वो सच्चे इंसान थे, वो ईमानदार थे माँ, वो ईमानदार थे। लेकिन हमारे परिवार पे गुजरने वाली सबसे बड़ी तकलीफ है बाबूजी के बीमार होने के ताने सुनना। क्या ये सब सुनना आपको अच्छा लगता है माँ? बोलो माँ, बोलो। क्या आप सच से इनकार कर सकती हैं? बिल्कुल नहीं। हर बात हर तकलीफ सहने की आदत पड़ गई है, मगर जब भी कोई उनके लिए बेईमान शब्द कहता है तो सीना छलनी हो जाता है। लोगों के बुताने कानों में शीशे की तरह चुभते हैं। हंसा हंसा के रुलाया है जिंदगी ने। माँ आप फिक्र मत करो, मैं इसी दुनिया के सामने बाबूजी को सही साबित करके रहूंगी। आप यही चाहती है ना माँ? हाँ बेटी। तो बस माँ ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा माँ। मगर उन्हें ईमानदार साबित करने के लिए तो किसी झूठ या गलत रास्ते का सहारा नहीं लेगी। लेकिन माँ किसी भी हाल में झूठ का सहारा लेना जायज हो ही नहीं सकता, और वो भी तब जब वो बात किसी एक सच्चे और ईमानदार आदमी के साथ जुड़ी हो। लेकिन माँ ये दुनिया ऐसा नहीं सोचती। बस मुझे जो कहना था कह दिया, लेकिन अगर तुझे इसके बाद भी ऐसा ही करना है तो आज के बाद तेरा तुझसे कोई नाता नहीं। अच्छी बात है, तो फिर आगे से आपको किसी भी बात की कोई भनक नहीं लगने वाली, क्योंकि मुझे जो करना है वो तो अब मैं कर ही रहूंगी। बाबूजी की इज्जत के साथ साथ परिवार की खुशियां भी वापस आएंगी। कुछ भी हो पर आखिर मेरे ससुराल की वजह से ही तो मेरे परिवार को इतना कुछ झेलना पड़ा और झेलना पड़ रहा है। मगर मैं अपने परिवार को इस जिल्लत से, इन दुखों से जरूर उबारूंगी, हर हाल में उबारूंगी। ये क्या है? देख लो, समझ में आ जाएगा। तुम तो बेकार में परेशान हो रही हो, साइन कर दो बस हो जाए। साइन कर दो? ऐसे कैसे साइन कर दो? ये पेन लो, साइन कर दो, वेरी सिंपल। सिकंदर ये इतना सिंपल नहीं है जितना तुम बोल रहे हो। मुझे इसमें साइन करने से पहले आनंद से बात करनी होगी। ओह, तुम ये कैसे भूल रही हो कि अब इस कंपनी की मालिक तुम हो, आनंद नहीं? वो बात अलग है, मगर सिकंदर मैं अभी अपने आप को इस काबिल नहीं समझती कि मैं इतना बड़ा फैसला अकेले कर लूं। मुझे ये सब करने से पहले एक बार आनंद से सलाह लेनी पड़ेगी। इस मामले में आनंद कोई सलाह नहीं दे सकता। क्यों? क्यों नहीं दे सकता वो सलाह? अरे इतने दिनों तक उसने अकेले कंपनी चलाई है, इतने बड़े बड़े फैसले लिए, वो
उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। सलाह देने के लिए आनंद का एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, बल्कि सलाह देने के लिए ये जरूरी है कि आनंद को वो सारी बातें मालूम हो जो तुम्हारे और मेरे बीच में हुई, और ये तुम चाहोगे नहीं। क्यों, इसमें मेरे चाहने और ना चाहने वाली कौन सी बात है? मेरे तुम्हारे बीच जो भी बात है वो सब इस डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है। तुम भी कमाल करती हो। मैं तुम्हारे और मेरे बीच की दूसरी बातों की बात कर रहा हूं जिसे सिर्फ मैं और तुम जानते हैं। मैं और तुम। ऐसी कौन सी बात है? इशारे भी नहीं समझती हो नू, ऐसे में तुम्हें मैं ये सब कुछ कैसे समझाऊं? साफ साफ बताओ ना क्या बात है। देखो अनु, अगर तुम जिद कर रही हो तो मुझे सुनील के सीटी स्कैन की बात तुम्हें याद दिलानी पड़ेगी। इसका मतलब तुम मुझे ब्लैकमेल? उस डील को ब्लैकमेल का नाम मत दो अनु। ओके, साइन करो। चलो ना, ये ठीक है। हाँ, एक साइन यहाँ और दूसरा यहां पर, एक यहां। डू इट प्लीज। फाइनल तुम यहां करो। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। करो भाई, साइन करो। छोटे से पत्ते से इतना कुछ हासिल कर लिया, कंपनी के प्रॉफिट का इतना बड़ा शेयर, एक तरह से कंपनी का ही पार्टनर। पर ये तो कुछ भी नहीं, जिस दिन बड़े पत्ते खोलूंगा उस दिन पूरी कंपनी पर बस मेरा ही कब्जा होगा, सिर्फ सिकंदर का कब्जा। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, पर अब लगता है जैसे कि सिकंदर ने मुझे अपनी मुट्ठी में पूरी तरह से बैठ कर लिया। सिमरन, अब तो हमें जो भी करना होगा बहुत सावधानी से और एकदम सीक्रेटली। श्रद्धा, सच कहूं, आंटी ने जिस तरह तुम्हारे साथ रिएक्ट किया है ना, मैं ये सोचकर थोड़ा घबरा गई हूँ, क्योंकि इस बात का पता चलने पर अगर उनका ये हाल है, सोचो बाई चांस अगर आगे चलकर मैं जरा सी भी भनक लग गई तो बहुत बुरा होगा। श्रद्धा, आंटी को लगेगा कि इतना सब होने के बाद भी हमने उनकी बात को, उनके जज्बात को अहमियत न देकर उल्टा नजरअंदाज कर दिया है। कहीं तुम्हारे इरादे तो नहीं डगमगा रहे सिमरन? बात मेरी नहीं श्रद्धा, बात आंटी की है। इसके बाद अगर उन्हें हमारे एक्शंस और मूवमेंट के बारे में पता चल जाएगा ना, तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो हर्ट होकर घर छोड़ने पर आमादा हो जाएगा। उस बार तो किसी तरह कसम वसम दिलाकर मैंने उन्हें रोक लिया था, और वो रुक भी इसलिए गई थी क्योंकि वजह मैं नहीं थी। लेकिन इस केस से तो वो हर्ट होंगी और रोकने से भी नहीं रुकेंगी, फिर कितनी मुसीबत आ जाएगी तुम्हारी फैमिली पर, सोचा है तुमने? और मुझे कितनी गिल्ट फीलिंग होगी, इसका एहसास है तुम्हें? सिमरन, पहली बात तो ये कि हम इतनी सावधानी बरतेंगे कि ऐसी कोई नौबत ही नहीं आएगी, और अगर बदकिस्मती से ऐसा कुछ हुआ भी तो उसकी जिम्मेदार मैं होंगी, तुम नहीं। तुम भी अजीब बात करती हो श्रद्धा। अरे जिम्मेदार कोई भी हो, पर उससे परिणाम तो नहीं बदल जाएगा ना। प्रैक्टिकली सोचो श्रद्धा, प्रैक्टिकली। देखो, इस वक्त हमें खास तौर पर यह ध्यान देने की जरूरत है कि किसी भी तरह तुम्हारी फैमिली पर कोई मुसीबत ना आए। सिमरन, मैं जो कुछ भी करने की कोशिश कर रही हूँ अपने पूरे परिवार की खुशी के लिए कर रही हूँ, और अगर तुम इसमें मेरा साथ नहीं देना चाहती तो ना सही। श्रद्धा, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही थी
कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि फिर से तुम्हारी फैमिली बिना किसी वजह के घर छोड़कर सड़क पर ना आ जाए। क्यों श्रद्धा, तुम क्या चाहती हो सिमरन? क्या मेरी फैमिली हमेशा तुम्हारी मोहताज रहे, तुम्हारे सहारे जीती रहे? क्या मैं अपने परिवार के बारे में नहीं सोचती? सिमरन, अगर तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी तो ना सही, मैं अकेले ही दिला दूंगी अपने परिवार को उसका आत्मसम्मान। मैं किसी को क्या सहारा दूंगी श्रद्धा, वो तो मैं खुद तुम लोगों से इस तरह से जुड़ गई हूँ कि मुझे लगता ही नहीं कि मैं तुम लोगों से अलग हूँ। वो तो मैं बस प्रिकॉशन के हिसाब से। सॉरी सिमरन, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही गलत बोल गई। मैं जानती हूँ सिमरन, तो हमारे परिवार की परेशानी को समझते हुए ऐसी बातें कर रही हूँ, पर मैं क्या करूँ सिमरन? अगर मैं अपनी परेशानियों से डरकर अपने मकसद को भविष्य पर टालती रही तो मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि परेशानियां कभी पीछा नहीं छोड़ती। तो ठीक है, मैं एकदम तैयार हूँ, मैं हर पल हर कदम तुम्हारे साथ हूँ। थैंक्स सिमरन, हमें दो काम करने हैं। सबसे पहले तो हम सुधा केमिकल्स पे ये आरोप साबित करेंगे कि उन्होंने पार्टनरशिप में धोखाधड़ी की है, जिससे ये साबित हो जाएगा कि बाबूजी ईमानदार थे। और दूसरा, बाबूजी के जीवन भर की खून पसीने की कमाई जो सुधा केमिकल्स में लगी है, उसमें अपनी हिस्सेदारी लेकर हमें परिवार के जीवन को बेहतर बनाना है, उनके सारे सपने सजाना और उन्हें हर वो खुशी देनी जिसकी कल्पना बाबूजी ने की थी। वाहेगुरु, तेरा हर ख्वाब पूरा कर। अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपने मकसद में जरूर कामयाब होऊंगी। अगर अभी लगाम नहीं लगाई गई ना, तो जैसे उसने भी 30% की पार्टनरशिप मुझसे ली है, कहीं कहीं ऐसा ना हो जैसे वो पूरी कंपनी अपने नाम लिखवा ले। सुधा केमिकल्स के पार्टनर और शेयर होल्डर होने की बहुत बहुत जला के बुझा